आज बात होगी स्पीड की कि अपनी प्रॉब्लम सॉल्विंग स्पीड कैसे इंक्रीज करें, क्योंकि आप सभी को पता है कि जेई जैसे एग्जामिनेशंस के अंदर स्पीड बहुत ज्यादा मैटर करती है। आप क्वेश्चन तो कर लेते हैं, लेकिन अगर आपके क्वेश्चन ही छूट गए, पेपर ही छूट गया, तो आप नंबर कहां से लाएंगे। ठीक है, तो तीन मेन बातें हैं, तीनों डिस्कस करेंगे। नए हो सब्सक्राइब नोटिफिकेशन दबा देना, और ओनली इफ यू आर अ सीरियस एस्पिरेंट। यहां पर केवल पढ़ाई की बात होती है, मुझे नॉन सीरियस लोग बिल्कुल नहीं चाहिए यहाँ पे। ओके, कुछ आपको क्वेरी हो आप मेरे सोशल हैंडल इंस्टाग्राम वगैरह पर मुझे फॉलो कर सकते हैं, वहां पे कुछ आपकी क्वेरी मुझे बता सकते हैं मैसेज वगैरह पे, मैं उस पर वीडियोस बना देता हूँ। एंड मोस्ट इंपॉर्टेंटली हैप्पी इंडिपेंडेंस डे आप सभी को। ठीक है, आज हमारा देश आजाद हुआ था, बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है ये, हम अब शायद रियलाइज नहीं करते हैं। लेकिन अगर आप सोचे इतिहास में जाकर कि इस समय इस दिन हमें इंडिपेंडेंस मिली थी ब्रिटिश रूल से, इट्स एक्चुअली अ वेरी बिग थिंग फॉर अस, राइट। एंड इसी पे वी ऑल्सो हैव एन इंडिपेंडेंस डे सेल, सो टिल 16th of August midnight यू कैन गेट माई 24 कोर्स एट ₹2999 एंड 2025 कोर्स एट ₹4999। तो काफी अच्छी रेट्स, अंडर 5000 दोनों कोर्सेस, पूरे एक या दो साल जितना भी आपका एडवांस जब भी होगा तब तक ऑलरेडी एवरीथिंग यू विल गेट। तो डिस्क्रिप्शन में जाके उसको तुम देख लेना, और बाद में वीडियो के एंड में बता देंगे। तो तीन बातें कौन सी है, फटाफट से स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहली चीज जो मुझे लगता है आपको करनी चाहिए वो ये है कि आपके ना कई बार कॉन्सेप्ट ही स्ट्रॉन्ग नहीं होते हैं। ठीक है, कई लोग जो बोलते हैं ना कि हमारी स्पीड कमजोर है, वो आधी तो इसलिए भी कमजोर है क्योंकि आपको शायद चीजें अच्छे से याद ही नहीं है। ठीक है, इसका बहुत अच्छा एग्जांपल मैं देता हूँ इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री में। ठीक है, इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री बहुत ही बाइनरी है, या तो आपको आंसर आता है या नहीं आता है। ठीक है, अगर आंसर आता है आप टिक कर देंगे, आगे बढ़ जाएंगे, 5 सेकंड लगते हैं। नहीं आता है तो आप पत्थर कितनी भी देर उसके साथ बैठ के ऐसे इधर उधर कुछ भी कर सकते हैं, पर आंसर नहीं आएगा तो नहीं आएगा, राइट। इन दी एंड हर क्वेश्चन को अगर हम ऐसे ही जज करें, मैथ्स का कोई क्वेश्चन है या तो आपसे होगा या आपसे नहीं होगा। ठीक है, अगर आपने अच्छे से सब चीजें पढ़ी है, आपके कॉन्सेप्ट अच्छे हैं, आपने अच्छे से सब प्रैक्टिस वगैरह की है, तो रीजनेबली, अगर मतलब मैं ऐसा नहीं कह रहा हूँ कि बहुत ज्यादा हार्ड क्वेश्चन भी आते हैं पेपर में, वो मुझे पता है, लेकिन एवरेज अगर हम बात करें, लेट्स से जेईई मेन के पेपर की बात करें, तो उसमें क्वेश्चन को इतने हार्ड भी नहीं आते। अगर आपको वो कॉन्सेप्ट आता है, आपने उस कॉन्सेप्ट की इनफ प्रैक्टिस की है, तो आप यूजली सॉल्व कर लेते हैं। ठीक है, हाँ 1 मिनट लग सकता है, 1.5 मिनट लग सकता है, बट आप कर लेते हैं। अगर नहीं आता है तो आप 500 बार सिर चकराएंगे, कुछ भी करेंगे, 5-10 मिनट तक इधर उधर की बातें करेंगे, इधर उधर के फॉर्मूले लगाएंगे, और क्वेश्चन नहीं होगा, और आप बोलेंगे स्पीड कमजोर है। भाई स्पीड कमजोर नहीं है, आपको क्वेश्चन नहीं आते थे। ठीक है, तो मेनली सबसे पहली प्रॉब्लम तो यही होती है कि क्वेश्चन ही नहीं आ रहा है, हर कुछ लगा रहे हो, टाइम वेस्ट हो गया, फिर बोल रहे हो पेपर छूट गया, स्पीड कमजोर है। नहीं, आपकी स्पीड कम नहीं है, आपके कॉन्सेप्ट कमजोर है। ठीक है, तो सबसे पहला सॉल्यूशन तो मैं कहूंगा कि यार आप जाके एक बार वापस से पढ़िए चीजें, रिवाइज करिए नोट्स वगैरह, क्वेश्चंस और प्रैक्टिस करिए। आप जिस भी टेस्ट में नंबर कम लाए, एक बार आप देखिए कि आपने कहाँ कहाँ टाइम वेस्ट किया। आप पाएंगे कि आपने ज्यादातर जगह ऐसी जगह टाइम वेस्ट किया था जो आपको नहीं आता था, और आप उस पर ऐसी उधर उधर हर के छलांगे मार रहे थे, राइट। तो वैसी जगह टाइम वेस्ट करोगे तो यार स्पीड फिर कमी निकलेगी एवरेज अपनी, है ना। इधर उधर अगर बंदा सीधा जाता है तो उसका डिस्प्लेसमेंट सही जाता है, आपको इधर उधर जाएगा डिस्टेंस तो बहुत हो गया, लेकिन लौट को डिस्प्लेसमेंट तो उतना ही हुआ, वैसी बात है। ठीक है, तो प्लीज थोड़े कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग कीजिए, और क्वेश्चन आपको अगर फिंगर टिप्स पे होती ना चीज है कि मैथ्स का फॉर्मूला एकदम याद है, एकदम तुरंत आ गया, तो आपको रिकॉल करने में 10 सेकंड बच गए, आपने उस क्वेश्चन टाइप पहले से किया हुआ है, तो क्वेश्चन को स्टार्टिंग से फिगर आउट करने की जो मेहनत थी वो बच गई, 30 सेकंड से हुए, समझ लो। एक तो है कि कोई बच्चा एकदम स्क्रैच से कोई क्वेश्चन फिगर आउट कर रहा है, एक और बच्चे ने इतनी प्रैक्टिस की हुई है कि उसको रिकॉल हुआ कि यार ये क्वेश्चन मैंने पहले ही किया हुआ है, फटाफट हो गया। ठीक है, तो ये चीज पे ध्यान दें। दूसरी प्रॉब्लम जो मैंने नोटिस की है कि आप ना टाइमर लगा के क्वेश्चन सॉल्व किया करिए, ठीक है, घर पे, क्योंकि आपकी पूरी जेई प्रिपरेशन में टोटली 40 से 50 टेस्ट होते हैं। ठीक है, और 40 या 50 टेस्ट से आप कोई अपनी टेस्ट टेकिंग एबिलिटी बहुत बढ़िया नहीं कर सकते हो। ठीक है, आपको एटलीस्ट 100-200 टेस्ट करने पड़ेंगे ड्यूरिंग योर जेई प्रेप, ताकि आप सच में पारंगत हो पाओ कि टाइमर के साथ कैसे टेस्ट दिया जाता है जो आपका फाइनल एग्जाम होगा। अब 200 टेस्ट तो हम नहीं दे सकते, हम क्या करेंगे, जब भी हमें घर पे होमवर्क मिलता है, आप कैलकुलेट कर लीजिए कि लेट्स से आज 80 क्वेश्चन का होमवर्क मिला है, 20 क्वेश्चन केमिस्ट्री के, 40 क्वेश्चन फिजिक्स के, 20 क्वेश्चन मैथ्स के होमवर्क में आज मिले हुए हैं, अक्रॉस डीपीपी, अक्रॉस मॉड्यूल, जो भी है आपकी कोचिंग में जैसा भी सेटअप, वो मुझे नहीं पता। ठीक है, तो अब 80 क्वेश्चन है, तो आप उस पे स्टार्टिंग में थोड़ा ज्यादा टाइम दीजिए, जनरस रहिए थोड़ा, मैं कहूंगा 3 मिनट दे दीजिए। ठीक है, 80 क्वेश्चन है यानी कि 3 मिनट, 240 मिनट्स, यानी 4 घंटे। तो ये होमवर्क आपको एनी हाउ 4 घंटे में खत्म करना है, लंच या डिनर जो भी कर लेते हो करो, 4 घंटे का अलार्म लगाओ और शार्प 4 घंटे में बंद कर दो, कोई क्वेश्चन नहीं हो रहा अगले क्वेश्चन में, बिल्कुल जैसे टेस्ट देते हो ना वैसी, उसकी पूरी आंसर शीट भी लिखो कहीं पे कि ओएमआर टाइप्स लिखो कि यार क्या कहा तुमने, क्या क्या मतलब क्या तुम्हें लगता है सही आंसर होगा,
और फिर उसको चेक करो पीछे जाके, ठीक है, एट द एंड ऑफ दोस 4 आवर्स कि तुम्हारे कितने नंबर आ रहे, कितनी सिली मिस्टेक हुई। ये चीज करना क्यों जरूरी, क्योंकि हम होमवर्क कई बार ना ऐसे ही हवा में करते रहते हैं मस्ती में, कि अच्छा 2 क्वेश्चन किए, फिर कोई अच्छा शो आ गया तो उससे वो देखने चले गए, या कुछ किसी ने बुला लिया, तो उसमें क्या है एफिशिएंसी नहीं रहती। तो आप तो होमवर्क भी स्लो होता है और आप टेस्ट वाली माइंडसेट से एग्जाम वो मतलब होमवर्क नहीं कर रहे हो। तो अगर आप टाइमर लगाएंगे ना तो आप टेस्ट वाली माइंडसेट से कहीं ना कहीं देंगे अपना होमवर्क, एंड दैट वुड बी बेटर फॉर यू बोथ इन टर्म्स ऑफ स्पीड, क्योंकि आप सीखेंगे कि कैसे टाइम बचाना। टाइम बचाने की ट्रिक्स होती है कि कोई फॉर्मूला है जैसे उसको फटाफट से कोई आपने फॉर्म अपने दिमाग में बनाया हुआ है, ठीक है, या कैंसलेशन वगैरह करते हो आप मैथ्स वगैरह कैलकुलेशन में, या अप्रोक्सीमेशन हो गई, या आपने कोई ऐसी चीजें जैसे वो पीरियड टेबल याद करने का हम नहीं बनाते वो कविताएं वगैरह जो भी होती है वो सब, तो वो सब चीजें आप डिस्कवर करते हो जब आप इस तरीके से चलते हो टाइमर लगा के। सो नॉट ओनली विल यू सॉल्व योर होमवर्क फास्ट, यू विल ऑल्सो डेवलप अ लॉट ऑफ टेक्निक्स टू सेव योर टाइम, जो अदरवाइज फिगर आउट करने के लिए आपको टेस्ट देना पड़ता है, ठीक है, और टेस्ट इनफ है नहीं। तो आप टेस्ट को प्रैक्टिस और जे को फाइनल एग्जाम मान के मत चलो, आप अपने होमवर्क को प्रैक्टिस और आपका जो कोचिंग में टेस्ट होता है उसको फाइनल एग्जाम मान के चलो, और फाइनल एग्जाम आपके लिए जस्ट लाइक अनदर टेस्ट बन जाएगा, और फिर बहुत अच्छा एग्जाम जाता है, ठीक है। और तीसरी एडवाइस जो मैं दूंगा फॉर इंक्रीजिंग योर प्रॉब्लम सॉल्विंग स्पीड, वो है कि ना धीरे धीरे अपना जो वो है ना लेवल ऑफ प्रॉब्लम्स इंक्रीज करो, ठीक है। तो आपको मैंने जो पहले दोनों बातें बताई ना कि आप अगर कॉन्सेप्ट अच्छे से पढ़ते हैं और आप अगर टाइम दे देकर मतलब टाइमर लगा के क्वेश्चन सॉल्व करते हैं ना घर पे, उससे आपका ज्यादातर सॉल्व हो जाएगा प्रॉब्लम सॉल्विंग का स्किल। लेकिन ना प्रॉब्लम क्या आती है, जैसे आप जेईई एडवांस के लिए एम कर रहे हो जो आपसे ज्यादातर लोगों को करना भी चाहिए, तो उसमें डिफिकल्ट क्वेश्चन आते हैं, और डिफिकल्ट क्वेश्चन जैसे ही आते हैं तो टाइमर वाली बात थोड़ी सी अजीब हो जाती है, बिकॉज डिफिकल्ट क्वेश्चन में कई बार 15 मिनट 20 मिनट भी लग जाते हैं, और आपको एडवांस में देना पड़ेगा, एडवांस में 15 मिनट 20 मिनट के क्वेश्चन भी आएंगे और वो भी आपको करने पड़ेंगे अगर बहुत अच्छी रैंक चाहिए तो, राइट। तो आप ना धीरे धीरे क्वेश्चन का लेवल बढ़ाते जाओ। तो मैंने आपको बोला ना होमवर्क में जैसे 80 क्वेश्चन मिले, तो अब आप एक्स्ट्रा एक काम करो कि आप 4 घंटे में 80 क्वेश्चन कर रहे थे, अब आप 4 घंटे में 90 क्वेश्चन करो, ठीक है, टाइम कम करते जाओ, सबसे पहला तरीका। दूसरा, क्वेश्चन इंक्रीज करते जाओ, क्वेश्चन का लेवल बढ़ाओ। जैसे एक्सरसाइज 2 का सवाल आपको होमवर्क में मिला कि थोड़ी डिफिकल्ट वाली एक्सरसाइज, या आपने आज सोचा है चलो मैं अच्छी बनवा के आज डिफिकल्ट वाले वर्कआउट एग्जांपल्स करूंगा, या आज मैं इरोडो करूंगा, या आज मैं ए दास गुप्ता करूंगी, या आज मैं एमएस चौहान करूंगी, राइट। ऐसे आपने होमवर्क आज डिसाइड किया आज मेरे को ये चीज की प्रैक्टिस करनी है, तो आप उसको भी सेम टाइम में करने की कोशिश करो, ठीक है। जेईई एडवांस के पुराने पेपर्स आज मेरे को सॉल्व करने हैं, उसको भी आप उतने ही टाइम में करो, कम टाइम देके करो, ठीक है। तो पहले हम अपनी कोचिंग का बेसिक होमवर्क 3 घंटे में कर रहे थे, अब हम थोड़े डिफिकल्ट क्वेश्चन भी उसमें डाल के उसको 3 घंटे में करने की कोशिश करेंगे। तो इस तरह से धीरे धीरे आप टाइम देते जाएंगे। अभी आपके 24 में भी 1 साल बचा है, 25 के पास तो 2 साल बचे, राइट। तो आप धीरे धीरे चलेंगे ना आपका सब कुछ अच्छा हो जाएगा, ठीक है। तो आई होप ये तीनों चारों बातें आप फॉलो करेंगे। क्या क्या मुझे वापस बता देता हूं, सबसे पहले कि आप कॉन्सेप्ट स्ट्रॉन्ग करें, कई बच्चों को चीजें ही नहीं आती और स्पीड को ब्लेम करते हैं। दूसरा, आप टाइमर लगा के होमवर्क सॉल्व किया करिए और टेस्ट को एज अ प्रैक्टिस ना देखें, होमवर्क को एज अ प्रैक्टिस देखें और टेस्ट को एज अ फाइनल एग्जाम देखें, ठीक है। और थर्ड, कि आप थोड़े अपने लेवल ऑफ क्वेश्चंस को इंक्रीज करते जाइए, क्योंकि आप क्वेश्चन का लेवल इंक्रीज करेंगे तो आसान क्वेश्चन आपसे और जल्दी होंगे और टाइम का टाइम एग्जाम में बचेगा, ठीक है। तो आई होप वीडियो पसंद आई हो, लाइक सब्सक्राइब कर देना अगर नए हो तो, और आपको कुछ क्वेरी हो मेरे इंस्टाग्राम वगैरह अकाउंट पे आप मुझे फॉलो मैसेज वगैरह कर सकते हो। और अगर आपको मुझसे पढ़ना है तो इंडिपेंडेंस डे सेल चल रही है, कल 16 अगस्त के एंड तक मिडनाइट तक आपको मेरे दोनों कोर्सेस 24 और 25 दोनों कोर्सेज पर बहुत ही अच्छा डिस्काउंट मिल रहा है। तो अगर आप अभी तक एनरोल नहीं हो, इट इज द बेस्ट टाइम एनरोल फॉर द बेस्ट पॉसिबल प्राइस, और अभी आपके पास टाइम है एग्जाम में, बाद में रहेगा नहीं तो क्या पढ़ोगे, राइट। सो डिस्क्रिप्शन में जाके एनरोल हो सकते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग, गुड लक।